साथियों, आज हम आपको बतलाएंगे और इस विषय में चर्चा करेंगे कि जो मक्का का जो मस्जिद है अर्थात इस्लाम की किबला, वो शिव मंदिर का ही बिगड़ा रूप ही है। अगर कहें तो ये शिव मंदिर ही है। साथियों, आप अनेक जगह इसको पढ़ते होंगे और शायद आपको इस बात पर कभी कभी भरोसा और विश्वास भी नहीं होता होगा। आपको ये मानने में थोड़ी परेशानी होती होगी कि ये मक्का की मस्जिद पहले शिव मंदिर ही था, लेकिन साथियों, आज लगभग 1300 साल बाद लोग इतिहास की इस घटना को भी झूठा और मजाक समझते हैं, क्योंकि लगातार झूठी कहानियां लिखकर सच पर पर्दा डालने की हमेशा कोशिश की गई है। साथियों, अगर हम किसी बात को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें दो चीजें काम आती हैं। पहली तो हुई उसकी भाषा और संस्कृति, जो हर 200 किलोमीटर पर बदलती रहती है, और दूसरा हुआ वहां आसपास का धार्मिक आधार। और जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म, इसका साहित्य मिलता है, और दूसरा मिलता है कि इसके आधार पर यहूदी धर्म का बना हुआ साहित्य और ईसाइयत का साहित्य और लेखन। इतिहास की इन्हीं तमाम बातों पर, इन्हीं तमाम लेखों से 7वीं शताब्दी में जन्मे हम इस्लाम के विषय में जानने की कोशिश करते हैं और यही इतिहास है। साथियों, 7वीं शताब्दी से जो पहले लिखा हुआ इतिहास है वही सत्य है। और साथियों, जब इतिहास के इस लिखित दस्तावेजों को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि मक्का के आसपास यानी इस्लाम की स्थापना के पूर्व अरबी समाज जो था वो मूर्ति पूजक था। मक्का के मंदिर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां थी, अरबी लोग उन्हें पूजते थे। मक्का के प्रवेश द्वार पर कुरैशियों के कुल देवता अल्लाह अर्थात अल्लाह की 15 फुट की मूर्ति थी। साथियों, दस्तावेजों से मालूम होता है कि अल्लाह की 3 बेटियां अल अज्जा, अल मनात और अल लात, सबके साथ अल लगा हुआ है। ये जो तीनों बेटियां हैं, ये मंदिर जो मक्का में था और जो मदीना की बस्ती थी उसके आसपास के पहाड़ों पर इनकी स्थापना थी। अरबी लोग इन देवियों के दर्शन करते थे, पूजा पाठ करते थे, यानी पूजा करते थे और पाठ माने किताबों को पढ़ते थे। साथियों, अरबी लोग मक्का के मंदिर में आरती और भजन भी करते थे। जब इस्लाम की स्थापना हुई उसके बाद उसे बंद करवाया गया। आप कुरान की आयत 8:35 का संदर्भ ले सकते हैं। साथियों, वो लोग मक्का में जाकर बाल कटवाते थे। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदुओं में आज भी बच्चों के बाल किसी मंदिर में जाकर कटवाते हैं और एक प्रकार का उत्सव मनाते हैं। जब पहली बार बाल कटते हैं उसका सिर मुड़वा देते हैं, इसी प्रकार से ये होता था। तथा काबा मंदिर की 7 बार प्रदक्षिणा यानी उसका चक्कर भी लगाते थे। वहां का जो शिवलिंग था, जो काला पत्थर था यानी शिवलिंग था, उसके ऊपर जो झमझम है उसका पानी डालते थे, उसे स्पर्श करते थे, उसे चूमते थे।
साथियों वहाँ की भाषा में वे अल बकरा को पूछते थे। अल बकरा हीफर, गाय का बछड़ा, बैल, नंदी। प्रत्येक शिवलिंग के पास शिव के वाहन नंदी बैल की मूर्ति रहती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। उसी तरह ये जो काबा में जो शिव का मंदिर था उसके शिवलिंग अर्थात काले पत्थर के पास अल बकरा की मूर्ति थी। यही शिवलिंग अर्थात काबा पत्थर काबा के अंदर से निकालकर दीवार में लगा दिया गया था। तो कुछ अरबी लोग अल बकरा की मूर्ति की भी मांग करने लगे, इस कारण कुरान में सूरा 2 अल बकरा भी लिखा गया। साथियों मक्का और यात्रिब, यात्रिब का नाम मदीना, वहां पर और आसपास उस समय यहूदी और ईसाइयों की बस्तियां थी। ये लोग अरबियों की मूर्ति पूजा का विरोध करते थे क्योंकि इस विरोध पर ही यहूदी और ईसाई धर्म खड़ा हुआ था। उनके मंदिर और मूर्तियों को तोड़ते थे। यहूदी और ईसाई दोनों इन मूर्ति पूजक अरबियों पर जुल्म भी करते रहते थे। उस समय अरबिस्तान में इस्माइली कबीले के यहूदी भी रहते थे। उनका किबला जेरूसलम था, अर्थात उस समय तक यहूदियों के भी दो धड़े दो भाग हो गए थे और वे जेरूसलम की तरफ झुकते थे, नमाज पढ़ा करते थे। साथियों वे अपने आप को हिब्रू भाषा में मुस्लिम कहते थे। उनकी किताब तौराह थी। कुछ अरबी भी इस्माइली यहूदी बनने लगे थे। वे भी तौराह को पढ़ते थे, यहूदी की तरह वे भी झुकते नमाज करने लगे। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी। साथियों ये नए जो इस्माइली यहूदी थे ये अरबियों के प्राचीन मजहब का विरोध करने लगे। वे कुरेशियों के मूर्ति पूजा का तथा काबा का भी विरोध करने लगे, उनमें लड़ाई झगड़े होने लगे। साथियों इसके बाद जब खलीफाओं के हाथ में हुकूमत आई तो इन्होंने इस इस्माइली कबीले का नाम अरबी में इस्माल इस्लाम रख दिया। यहूदी लोग पैगंबर को मानते हैं, उनमें पैगंबरों की एक परंपरा है, उनके पास किताब है। अरबियों के पास न पैगंबर था न ही किताब थी। इस पर कुछ अरबियों ने सलाह दी कि अरबियों का भी एक पैगंबर होना चाहिए और उनकी भी एक किताब होनी चाहिए, इसलिए अरबी खलीफाओं ने मोहम्मद को पैगंबर घोषित किया। मोहम्मद यह अरबियों में कॉमन नाम है। साथियों कुछ इतिहासकारों का तो यहां तक कहना है कि मोहम्मद एक काल्पनिक पात्र जिसका उद्देश्य केवल कुरान और हदीस में आता है, अन्य किसी भी ऐतिहासिक किताबों में इसका उल्लेख नहीं है। साथियों जो मूल यहूदी थे उन मूल यहूदियों के मजहब के नेताओं ने इस्लाम को मान्यता नहीं दी। उनका कहना था कि केवल हिब्रू यहूदी मजहब ही सत्य है, अन्य नहीं। इसी कारण गुस्साए खलीफाओं ने इस्लाम यहूदियों के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। अब साथियों आपको ये समझ में कुछ नहीं आया होगा कि ये यहूदियों के दो फाल कैसे हैं। इसके लिए आपको यहूदी साहित्य को अच्छी तरह से समझना होगा, उसके इतिहास को जानना होगा। साथियों यहूदियों का एक जो गुट है वो अपने आप को अब्राम के बेटे इसाक का वंशज मानते हैं, तो वही जो दूसरा गुट है जिसको हम आज मुस्लिम कहते हैं वो मुस्लिम ने अपना नाता इस्माइल के साथ जोड़ा और वे अपने आप को इस्माइल के वंशज मानने लगे। साथियों इस्माइल ये यहूदी मजहब का संस्थापक अब्राम का बेटा है जो एक गुलाम स्त्री से जन्मा था। तो इस तरह से इसमें दोनों भाई अब्राम का बेटा इसाक जो जायज औरत से पैदा हुआ और दूसरा इस्माइल
जो गुलाम औरत से पैदा हुआ। साथियों, यहूदियों की किताब तौरा की तरह किताब लिखने के लिए अबू बकर ने एक कमेटी की स्थापना की थी, किंतु 2 साल बाद अबू बकर की मृत्यु हो गई। इसके बाद उमर खलीफा बना। उसने इस कमेटी को आगे बढ़ाया, उमर की भी हत्या हो गई। फिर अली खलीफा बने, उनकी भी हत्या हो गई। आखिर में चौथे खलीफा उस्मान के कार्यकाल में किताब पूरी हुई। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस्लाम में पहले हत्याओं का ही क्रम चलता था, और इसी कुरान किताब अर्थात पोथी का नाम दिया गया। इसके साथ साथ हदीसें भी लिखी गईं। कुरान की आयत 46:12 में लिखा है कि यह किताब मोजिस की किताब का ही अरबी रूपांतरण है, अर्थात यहूदियों की किताब के आधार पर ही लिखी गई है। ये दोनों किताबें एक विशेष उद्देश्य से खलीफाओं के आदेश पर लिखी गई। इनका उद्देश्य यहूदी और ईसाइयों के साम्राज्यवाद को रोकना है, इसलिए कुरान और हदीस में किताबें यहूदी और ईसाइयों के बारे में जानकारियों से भरी हुई हैं। साथियों, अरबियों ने यहूदियों के देवता के आदेश पर काबा का मंदिर और अल्लाह की मूर्ति तोड़ी। अल्लाह की तीनों बेटियों की मूर्तियां तथा उनके मंदिर भी तोड़े। हर देश का अपना एक किबला प्रार्थना की दिशा होती है। इसके आधार पर खलीफाओं ने जेरूसलम के बजाय मक्का को किबला बनाया। साथियों, यहूदियों का किबला यरूशलम है, अरबियों का किबला मक्का बनाया गया। मात्र इस किबले को ही सभी मुसलमानों का एकमात्र किबला घोषित किया गया और अन्य देशों में किबला बनने तक नहीं दिया गया, जिसके कारण इस्लाम के नाम पर अरब का ही साम्राज्य बढ़ा। पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, भारत हो और दूसरे देश हो, इस्लामिक देश, उनका अपना किबला न होने का कारण आज उन देशों के लोगों में उनके देश के प्रति स्वाभिमान बिल्कुल भी नहीं है, और यही कारण है कि उनमें अपना राष्ट्रवाद नहीं होता। उनका राष्ट्रवाद केवल अरब के किबला अर्थात मक्का का ही होता है। साथियों, यहीं से उम्मा का जन्म हुआ। खलीफाओं ने इस्लामी कबीले का नाम अरबी में इस्लाम रखा। यहूदी देवता यहोवा के लिए अरबी नाम अल्लाह रखा गया है, ताकि अरबियों को यह मजहब अपना लगे। यहूदी दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं और त्योहार के समय दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं। यही 5 बार की प्रार्थना पद्धति मुस्लिमों ने यहूदियों से ही अपनाई है। यहूदी जिस तरह प्रार्थना नमाज करते थे, उसी को इस्लाम ने अपनाया है। इस्लाम की स्थापना होने की शुरुआत में वो यरूशलम यानी यहूदी मंदिर की तरफ देखकर ही प्रार्थना नमाज किया करते थे। यहूदी टोपी पहनते, उसी प्रकार मुस्लिम भी टोपी पहनने लगे। यहूदी महिलाएं बुर्का पहनती थी, उसी प्रकार मुस्लिम महिलाओं को भी बुर्का पहनाया गया। यहूदियों का कानून हलाका की देखा देखी सरिया बनाया गया। यहूदियों के हिजरत की तरह अरबी हिजरत की कहानी रची गई। यहूदी अपने लोगों को प्रार्थना स्थल पर बुलाने के लिए भूपू बजाते हैं, इसकी नकल से अजान देने की प्रथा शुरू की गई। अजान का एकमात्र उद्देश्य है मुस्लिमों को मस्जिद में बुलाना। यहूदियों के सेमा अर्थात डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, इसी से ही शहादा बनाया गया। साथियों, यहूदी सुअर को निषिद्ध मानते हैं, खतना करते हैं, और इस तरह मुस्लिम भी यहूदियों का ही अनुकरण करते हैं। अरबियों में इस प्रकार की कोई पद्धति नहीं थी। पैगंबरवाद भी अरबियों में प्रचलित नहीं था। ये पैगंबर मानना ये यहूदियों की ही परंपरा है। वास्तव में मुस्लिम अरबी यहूदी हैं। वे इस्लाम के नाम पर यहूदी मजहब का ही अनुकरण करते हैं। फिर भी साथियों, आप देख रहे होंगे कि ये अरबी मुस्लिम जो बाद में मुस्लिम बने, ये पहले हिंदुत्व के पुजारी थे, सनातन धर्मी थे, और इन्होंने यहूदी परंपरा अपनाई, लेकिन इसके बाद भी फिर भी
ये यहूदियों से अत्यधिक नफरत भी करते हैं। साथियों, मेरी बात को अगर आपको यकीन न हो तो आप अपनी तरफ से इतिहास को पढ़ें, सच्चाई जानने की कोशिश करें। हो सकता है भूलवश कुछ त्रुटियां रह गई हों, इनको आप जानें समझें। वहाँ का साहित्य, पुरानी किताबें, सातवीं शताब्दी से पहले की किताबें, उनका अच्छी तरह अध्ययन करें और इस्लाम की किताबों से इनका मिलान करें, आपको इतिहास साफ साफ नज़र आएगा। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।